हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरजी ते। हाँ जी साथियों, जिवें कि तुहानू सारयां नू पता है कि आपां इस चैनल ते वार्ड अटेंडेंट दे एग्जाम दे लई इंपोर्टेंट एमसीक्यू दी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। हाँ जी, अज इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट रहने वाला है। इस तो पहला इस सीरीज़ के दो पार्ट अपलोड ने, जेकर किसी साथी ने वो दो पार्ट नहीं देखे तो उन्हों का लिंक तुहानू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उत्थों जाके तुसीं वो वीडियो वेख सकते हो। हाँ जी, अज की वीडियो नू स्टार्ट करन तो पहला जेड़े भी साथी साडे चैनल ते नवे ने, साडे वीडियो पहली बार वेख रहे ने, वो चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लैन ते नाल लगे बैल आइकन नू भी प्रेस कर लैन, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। जी स्टार्ट करते हाँ, अज का अपना फस्ट क्वेश्चन दिता होया, एंबूलेटरी केयर किस तरह की केयर है। चार ऑप्शन दिते हुए हैं। फस्ट दिता जी होम बेस्ड केयर, सैकेंड ऑप्शन हैगा होस्पिटल बेस्ड केयर, थर्ड ऑप्शन है जी बोथ ए एंड बी, ते फोर्थ है जी नन ऑफ दीज। हाँ जी, आपां दसना है कि एंबूलेटरी केयर किस तरह की केयर होंदी है, तो यह होंदी है जी होस्पिटल बेस्ड केयर। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाएगा। एंबूलेटरी केयर किस तरह की केयर होंदी है जी, ये कित्थे दित्ती जाती है, होस्पिटल विच, तो इसका ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी एक्यूट हेल्थ केयर किस तरह की केयर होंदी है। चार ऑप्शन ने, फस्ट दिता जी थोड़े समय लिए दी गई केयर, सैकेंड ऑप्शन है जी लंबे समय लिए दी गई केयर, थर्ड ऑप्शन है ए ते बी दोवें, ते फोर्थ है जी इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, एक्यूट हेल्थ केयर वो केयर होंदी है जिहड़ी कि आपां थोड़े समय लिए दी जाती है, यानी कि जिहना विच आपां छोटी मोटी बीमारी होंदी है तो उस लई आपां हेल्थ केयर जिहड़ी दी जाती है उसनों कहा जाता है एक्यूट हेल्थ केयर। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फस्ट, जिहड़ी केयर थोड़े समय लिए दी जाती है उसनों कहा जाता है एक्यूट हेल्थ केयर। इस दे उल्ट हुंदा जी क्रिटिकल हेल्थ केयर, जिहड़े कि लंबे समय लिए दी जाती है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जी, वर्ल्ड हेल्थ डे कदों मनाया जाता है। चार ऑप्शन ने, फस्ट दिता जी 1 मार्च, सैकेंड ऑप्शन है 7 अप्रैल, थर्ड दिता जी 6 अक्तूबर, तो फोर्थ है जी 10 अक्तूबर। हाँ जी, आप दसना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कदों मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता जी 7 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी, चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है, WHO की स्थापना कदों हुई अते उस दिन नू केड़ा दिवस बनाया जाता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। WHO की फुल फॉर्म होंदी है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन। आपां दसना है कि इस दी स्थापना कदों हुई ते इस दी स्थापना दे दिन नू केड़े दिवस विच बनाया जाता है। चार ऑप्शन दिते हुए ने अपने कोल, फस्ट हैगा जी 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ डे, बी ऑप्शन हैगा जी 7 अप्रैल 1945 वर्ल्ड मेडिसन डे, थर्ड ऑप्शन हैगा 10 अप्रैल 1945 वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, ते फोर्थ हैगा 8 अप्रैल 1948 WHO डे। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फस्ट, 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ डे, ऑप्शन नंबर फस्ट अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, WHO का हैडक्वाटर कित्थे स्थित है। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी जनेवा, सैकेंड ऑप्शन है न्यूयॉर्क, थर्ड ऑप्शन है जी इस्तांबुल, तो फोर्थ है जी नन ऑफ दीज। हाँ जी, आप दसना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का हैडक्वाटर कित्थे है, तो यह है जी जनेवा स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अपना दिता हुआ है, एंबूलेशन विच केड़ी एक्टिविटी जरूरी हुंदी है। एंबूलेशन विच केड़ी एक्टिविटी जरूरी हुंदी है, फस्ट ऑप्शन है जी सिटिंग, सैकेंड ऑप्शन है स्टैंडिंग, थर्ड ऑप्शन है जी वाकिंग, ते फोर्थ है जी ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, एंबूलेशन विच ये तीनों एक्टिविटी जरूरी हुंदी है जिहड़ी आपां पेशेंट दे नाल करवानी हुंदी है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है। हुण समझदे हां कि एंबूलेशन हुंदा की है, यह प्रोसैस की हुंदा जी। क्वेश्चन नंबर 27 अपना दिता हुआ है, एंबूलेशन प्रक्रिया की हुंदी है, तो यह वो अबिलिटी हुंदी है जी जिस विच पेशेंट अपनी सर्जरी जां
फिजिकल थेरेपी तो बाद चलना उठना बैठना शुरू कर देता है अपने आप जां किसी वार्ड बॉय या फिर वार्ड अटेंडेंट की मदद नाल तां उस प्रोसैस नूं की कहा जाता जी एम्बुलेशन कहा जाता है जी। सर्जरी तो बाद यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जिन्ना जल्दी हो सके पेशेंट नूं चलना बैठना जां खड़न दे योग किया जाए तो यह टैक्नीक भी एम्बुलेशन विच ही आउंदी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28 अपना दिता होया हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक एम्बुलेटरी डिवाइस नहीं है। हाँ जी आपां दसना है कि इन्हां विचों किहड़ा एक एम्बुलेटरी डिवाइस नहीं है जी। एम्बुलेटरी विच आपां हुणे पढ़िया वो चीज़ां आ जांदियां ने जिस नाल पेशेंट तुरना बैठना या फिर चलना शुरू कर देता है। तो आपां चार ऑप्शन दित्ते ने। फस्ट हैगा जी केन। केन एक तरह की छड़ी होंदी है जिन्हों फड़ के वो चलना शुरू करता है। वाकर आ भी इस तरह ही बनी होंदी है इत्थे इंदे जिहड़े पहिए लगे होंदे ने ते इहनू फड़ के वह तुरना स्टार्ट करता है। तो थर्ड ऑप्शन दिता जी ट्रांसफर बैल्ट आ भी जिन्हों तकलीफ हो बैठने लिए या फिर व्हीलचेयर विच तो उहदे लिए बैल्ट यूज़ किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन हैगा जी बैट तो आह ऑप्शन गलत हैगा जी। आई आपां दसना सी कि हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक एम्बुलेटरी डिवाइस नहीं है तो बैट जिहड़ा हैगा है आ एक एम्बुलेटरी डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी क्वेश्चन नंबर 29 क्रिटिकल केयर किस नूं दित्ती जाती है यानी कि क्रिटिकल केयर किस तरह के पेशेंट नूं दित्ती जाती है। चार ऑप्शन ने फस्ट हैगा जी जो बीमार होवे। सैकेंड ऑप्शन दिता जी जिसकी सर्जरी हुई होवे। थर्ड ऑप्शन हैगा जी जो जानलेवा चोट जां बीमारी तो ग्रस्त होवे। ते फोर्थ हैगा जी इन्हां विचों कोई नहीं। जी आपां पहला भी पढ़िया सी कि क्रिटिकल केयर उहनूं दित्ती जाती है जिसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होवे। इसका करैक्ट आंसर अपना बन जाता है ऑप्शन नंबर सी जो जानलेवा चोट जां बीमारी तो ग्रस्त होवे उस पेशेंट नूं क्रिटिकल केयर दित्ती जाती है। तो क्रिटिकल केयर आम तौर पर ICU विच दित्ती जाती है पेशेंट नूं जिस विच 24 घंटे डॉक्टर उसकी निगरानी करते हैं। तो इसलिए एक खास ट्रेनड टीम जिहड़ी हैल्थ केयर की होंदी है उस ते काम करती है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ जी क्रिटिकल केयर है जिहड़ी वो आम तौर पर क्रिटिकल केयर विच पेशेंट आम तौर पर हुंदा है तो कित्थे हुंदा है जी। चार ऑप्शन दिते हुए हैं। फस्ट हैगा जी अपने घर विच। सैकेंड ऑप्शन हैगा कित्थे भी। थर्ड ऑप्शन हैगा जी ICU विच। तो फोर्थ हैगा जी ऑफिस विच। हुणे आपां पढ़ के हटे हाँ जी कि क्रिटिकल केयर विच जिहड़ा आम तौर पर पेशेंट कित्थे हुंदा जी ICU विच हुंदा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्रिटिकल केयर के नाल रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिते हुए हैं जिमें कि फस्ट हैगा जी क्रिटिकल केयर विच एक खास ट्रेंड हैल्थ केयर टीम काम करती है जिहड़ी कि पीड़ित नूं 24 घंटे केयर प्रदान करती है। तो ICU की फुल फॉर्म दिती हुई है जी। ICU की फुल फॉर्म की होंदी है जी इंटेंसिव केयर यूनिट। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट अपना दिता हुआ ICU बारे कि ICU की होंदा जी। हुणे आपां दस्सिया है कि इसकी फुल फॉर्म की होंदी है जी इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि नाजुक मरीजों लई एक विशेष कमरा जिन्हां नूं सख्त इलाज ते निरंतर निगरानी की जरूरत होंदी है। नैक्सट अपना दिता जी HCU। इसकी भी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट हो जाती है जी। इसका मतलब होंदा जी हाई केयर यूनिट। यह भी ICU का एक कमरा होंदा है जिस विच मरीजों की देखभाल करन या फिर जिस विच मरीज की इंप्रूवमेंट चैक की जाती है कि पहला वो ICU विच सी ते हुण उहदी विच की इंप्रूवमेंट आई है की सुधार आया है वो HCU विच चैक किया जाता है। तो यह भी एक निरंतर निगरानी हेठ ही काम होंदा है जी। नैक्सट अपना दिता जी ICCU। इसका फुल फॉर्म होंगे जी इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। यह भी एक कमरा होंगे जिस विच दिल के रोग जिमें कि कोरोनरी दिल की बीमारी दिल का दौरा दिल का असफल होना आदि के इलाज से केंद्रित होंगे जी। हाँ जी फ्रेंड आज की वीडियो इतने समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो लाइक करो तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो नू शेयर करियो। जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो फस्ट टाइम साडी वीडियो वेख रहे हो
ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।